नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, स्पेशली टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है। कहा गया द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप विथ ट्यूब लेंथ 60 सेंटीमीटर इज 5। मतलब ट्यूब का जो लेंथ है जब वो 60 सेंटीमीटर है तो मैग्निफिकेशन है 5। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस, है ना। तो जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आई लेंस हो गया, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट तो हमेशा इन्फिनिटी पर होता है टेलीस्कोप में, तो इमेज जो है वो इसके फोकस पर बनेगा, ठीक। अब ऐसा हो कि फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर बन रहा हो तो यही पॉइंट जो है वो इस आई लेंस का भी फोकस होगा, तो ये हो गया डिस्टेंस ए वी और ये इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। तो इस केस में ट्यूब लेंथ का मतलब होता है दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन। तो ये एल दिया गया है 60 सेंटीमीटर, जो कि एफ ओ प्लस एफ ई होना चाहिए। इस केस में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बढ़ रहा हो तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है एफ ओ बाई एफ ई, है ना। इसका हम लोग डेरिवेशन भी करते हैं, ये आता है मैग्निफिकेशन। ये क्वेश्चन में दिया गया है 5, है ना। और कोई इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग ये इन्फिनिटी वाला केस लेते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन दिया होता तो हम लोग कोई और केस भी ले सकते थे, जैसे कि फाइनल इमेज जो है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता या कहीं बीच में बन रहा होता। लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो हम लोग सिंपल वाला केस लेंगे जिसमें कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, है ना। तो अपने पास यहाँ पर दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को सोल्व करेंगे तो हम लोग आई लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ से देखेंगे कि एफ ओ जो होगा वो आएगा 5 एफ ई। तो इस इक्वेशन में एफ ओ का वैल्यू रखेंगे 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एफ ओ के जगह पर रख देते हैं 5 एफ ई प्लस एफ ई, ये हो जाएगा 6 एफ ई, यानी एफ ई जो होगा ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ आ जाएगा 5 इंटू एफ ई, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये तो पूछा नहीं गया है, पूछा ये गया है। तो ऑप्शन में देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा।